राजश्री सोल से सारी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। छठ पूजा भारत के कई राज्यों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है जो कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य तौर से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दौरान व्रती 36 घंटों का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम और माँ सीता वनवास से अयोध्या लौटे तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण जो सूर्य देव के पुत्र है वह सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े रहकर अर्घ्य देते थे। पांडवों के स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहते हैं कि उसकी इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राज्यपाट फिर से मिला था। इस पर्व से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे जिस कारण वह बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने ये यज्ञ किया तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ के प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दी। कुछ समय पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा जब अपने पुत्र का मृत देह लेकर शमशान गए और उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति देनी चाही तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठ देवी वहां प्रकट हुई जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया कि अगर कोई सच्चे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उस व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी। इस बात को सुनकर राजा ने देवी षष्ठी की सच्चे मन से पूजा की और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन वह पूजा की थी वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था और उस दिन से आज तक इस पूजा की प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने घर वालों की सुख समृद्धि तथा दीर्घायु के लिए करते हैं। छठ पूजा के चार महत्वपूर्ण दिन होते हैं। नहाए खाए। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है जिसके बाद व्रती स्नान कर अपने आप को पवित्र करती है। स्नान करने के पश्चात वह शुद्ध और सात्विक भोजन कर व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन चना दाल लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। पकाए खाने को सबसे पहले व्रती खाते हैं और उसके बाद घर के बाकी सदस्य खाते हैं। खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना। इस दिन व्रत करने वाली व्यक्ति पूरे दिन का उपवास रखती है जिसमें ना ही वह कुछ खाते है ना ही कुछ पी सकते है। शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है जिसे रसियाओं खीर कहते हैं और जिसे पूजा करने के बाद व्रती खाते हैं। उसी रात छठी मैया के लिए चाशनी गेहूं का आटा और घी से बनाई मिठाई ठेकुआ प्रसाद के तौर पर बनाते हैं। संध्या अर्घ्य। ये तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन है। इस पूरे दिन व्रती निर्जल व्रत रखते है। फिर शाम में वह नदी या तालाब के यहाँ इकट्ठा होकर डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। जब व्रती घाट की तरफ अर्घ्य देने के लिए जा रही होती है तभी उनका बेटा या घर का कोई एक पुरुष एक बांस की बनी हुई टोकरी लेकर आगे चल रहा होता है जिसे बहंगी कहते हैं। बहंगी में फल प्रसाद और पूजा की सामग्री रखी जाती है। उषा अर्घ्य। छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूरज की पूजा करते हैं। व्रती और अन्य घर के लोग फिर एक बार नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं।
फिर अंत में व्रती प्रसाद और कच्चे दूध के शरबत का सेवन कर व्रत तोड़ते हैं और इस तरह छठ पूजा की समाप्ति होती है।